लखनऊ चलो में अब बात होगी वाराणसी की। पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय की, जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और खुद को पिंडरा का बेटा बताकर अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अजय राय का आरोप है कि भाजपा विधायक ने इलाके का विकास ही नहीं कराया और इस बार अगर वो विधायक बनते हैं तो पिंडरा में विकास की नई इबारत गढ़ेंगे। अजय राय को कांग्रेस ने वाराणसी की पिंडरा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां पर वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अजय राय एक ओर खुद को पिंडरा का बेटा बता रहे हैं तो दूसरी ओर मौजूदा भाजपा विधायक पर विकास के नाम पर जनता से छलावा करने का आरोप मढ़ रहे हैं। जो जनता है इधर कृषि प्रधान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पिंडरा क्षेत्र विकास भी किया हुआ है। क्या विकास? अरे विकास आप पूछ लीजिए, यहाँ कौन सा काम हुआ है? एक भी कल कारखाने नहीं लगे। और ये जो उन्होंने अमूल का कारखाने का शिलान्यास मोदी जी ने किया वो 30 जनवरी 2014 को आया हुआ है। वो 14 उसको किसानों ने हाईकोर्ट जाकर स्टे करा दिया था और जबरदस्ती उसका शिलान्यास किया गया और अभी भी वो पूरी तरीके से वहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिला। नया एक भी रोजगार सृजन नहीं हुआ, सारे पुराने रोजगार हैं। नया काम मेरा है कि अगली ये चुनाव जीतने के बाद अगला UPSIDC फेज 2 का हम लोग निर्माण कराएंगे, जिससे हजारों लोगों को नौकरी फिर से मिल सके, फिर से वहां पर लोगों को काम मिले, दूसरे फेज में काम मिले। अजय राय जी, जोश काफी दिखाई दे रहा है और आप जोशीले नेता कहे जाते हैं, तो हम आपको कहे क्या? पिंडरा का सेवक कहें, काशी का सेवक कहें, काशी का बेटा कहें, और एक समय वो भी जब धरती पुत्र का नारा आपने नहीं। देखिए, पिंडरा का पुत्र इसलिए कहिए कि पिंडरा से ही पहले ये कोलसला था, यहीं से मेरा राजनीतिक उदय हुआ है, राजनीतिक जन्म यहाँ से है। तो ये पिंडरा मेरा परिवार है और ये पिंडरा का ही बेटा हूँ। चाहे वो काशी में जाऊँगा, चाहे हिंदुस्तान के कहीं जाऊँगा, तो वही जो मैं उनका बेटा कहलाऊँगा। काशी मैं पिंडरा परिवार का बेटा हूँ, पिंडरा हमारा। पिंडरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का दावा है कि वो जमीन से जुड़े नेता और अगर इस बार वो विधायक बनते हैं तो इलाके में ऐसे काम करेंगे जिससे रोजगार के बड़े मौके पैदा होंगे। तो भैया, आज पिंडरा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और ये बाइक की सवारी आज यहाँ पर जारी है और देखिए यहाँ पर विधायक अजय राय जी हैं और उनके बराबरी में जरा बाइक लेके चलिए बंधु। तो बाइक की सवारी यहाँ पर खास होती है, कई नेता तो कार से भी घूमते हैं, आपकी कारें खड़ी हो गई। भैया मैं जमीन वाला आदमी हूँ, सड़क पर चलता हूँ, जनता के सुख दुख में रहता हूँ। ये मोटरसाइकिल आम आदमी की सवारी है, गरीब आदमी की सवारी है, तो हम आम आदमी के साथ, साधारण आदमी के साथ बाइक पे चलेंगे, सबसे मिलते हुए जाएंगे। आगे चलते रहते हैं और जानते रहते हैं कि किस तरह से जो जनता है वो अजय राय जी को क्यों चुनेगी। तो अजय राय जी, चूँकि पिंडरा विधानसभा में वो कौन से कार्य हैं जो मुद्दा बन रहे हैं? देखिए, पिंडरा में सबसे बड़ा जो कार्य है कि यहाँ के परिवार के सुख दुख में यहाँ के वर्तमान विधायक ने भागीदारी नहीं की और कभी किसी के दुखते हुए रग पे हाथ नहीं रखा। कोरोना के लॉकडाउन में खुद अपने पॉजिटिव होकर फर्जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ये लोग, जनता के को छोड़ दिया कि जनता अपने अपने कर्मों पे चली जाए। और अजय राय अपने लोगों के साथ खड़ा था कोरोना के दोनों लॉकडाउन में, हम एक एक घर एक एक परिवार के साथ खड़े थे। आज इस क्षेत्र में यहाँ बेरोजगारी की भारी समस्या है, पूरी तरीके से बेरोजगार लोग हो चुके हैं, पूरी तरीके से लोग परेशान हैं। आम जनता बेरोजगारी से दूर है, परेशान है, महंगाई से परेशान है और सबसे बड़ी जो समस्या है खराब सड़कें हैं, लोगों को खराब सड़कें हैं, कोई यहाँ पर धंधा काम नहीं है, उसका विस्तार नहीं हुआ। असली मुद्दा पिंडरा विधानसभा में यही रहेगा और सबसे बड़ा अजय राय का जो नारा है घर से लेके घाट तक, वो अजय राय करते चले आ रहे हैं, वही करेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकता वो काम। वाराणसी की पिंडरा सीट पर अजय राय अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, हालांकि उनके दावे में कितना दम है ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। वाराणसी के पिंडरा से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।